हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक पनीर के डिश जिसका नाम है पनीर दो प्याजा। इसको आप रोटी, राइस, पराठा सबके साथ खा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर मैंने लिया है 150 ग्राम, क्यूब साइज में काट दिया है इसको। 3 प्याज लिया है मैंने। ऑनियन का पेस्ट लिया है, एक ऑनियन का पेस्ट बनाया था मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो प्यूरी, ऑयल, क्यूमिन ये लिया है मैंने, गरम मसाला, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सब्जी मसाला, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कसूरी मेथी ये लिया है मैंने, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिल्लीस। ये देखिए, ये जो प्याज हमने 3 लिया था, इसको हम काट के 4 टुकड़ों में कट करेंगे। इसका हम स्पेटल अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कैसे अलग किया है इसको। सारे प्याजों को ऐसे अलग अलग करना है हमें। ये मैंने अलग अलग कर लिया है सारे प्याज, ये देखिए। तो चलिए, अभी ये हम ऑयल लेंगे। कढ़ाई बिठा दिए हमने, ऑयल को हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये प्याज को सैलो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई मत करना, मत सैलो फ्राई ही करना है हमें। ये देखिए, हो गया हमारा प्याज फ्राई, हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसी ऑयल में पनीर को डाल देंगे। पनीर को भी सैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा पनीर, ये हमने निकाल दिया है प्लेट में। इस ऑयल में थोड़ा सा और मैं तेल डालूँगी, 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड कर दिया है इसमें। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये देखिए, मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें एक बड़ा साइज़ का ऑनियन पेस्ट, उसको भी डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया है ऑनियन पेस्ट, इसको थोड़ी देर चलाएंगे। ये देखिए, रॉ ऑनियन का पेस्ट। ये देखिए, मैंने अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया, इसको भी थोड़ा देर चला लेंगे। इसका जो रॉ टेस्ट होता है ना, वो निकल जाएगा अभी। वो अभी 2 मिनट चला लेंगे हम। हम कवर करके इसको 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में छोड़ देंगे। ये देखिए, अभी हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। नमक डाल देंगे इसमें, टमाटो हमारा पक जाएगा। ये देखिए, हल्दी भी डाल देंगे इसमें, इसको थोड़ा टाइम चला लेंगे। देखिए, मैंने चला लिया, इसको कवर करके फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए, ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है हमारा। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डाल दिया मैंने, अभी इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। अब हम जीरा पाउडर डाल देंगे। ये मैंने चला लिया थोड़े देर, इसको थोड़े देर चलाना है हमको। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सब्जी पाउडर मसाला डाल दिया, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। लो फ्लेम में हम इसको 3 मिनट थोड़ा पकाएंगे। आप खाली टाइम में क्या करते हो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना। मैं तो जब स्ट्रेस लेती हूँ, कुछ भी मतलब मूड ऑफ होता है ना, मैं तो कुकिंग ही करती हूँ। आप मुझे बताना क्या आप करते हो, ज़रूर कमेंट करना। ये देखिए, मैं अभी पनीर को ऐड कर दूँगी इस मसाले में। मसाला हमारा हो गया था, मैंने ऐड कर दिया, जो सेलो फ्राई पनीर था उसको ऐड कर दिया है।
ये मैंने ऑनियन को भी ऐड कर दूंगी अभी। ये देखिए मैंने सेलो फ्राई ऑनियन को भी ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिलाना है। ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने अभी कसूरी मेथी भी डाल दिया इसमें। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाला है। ये देखिए हमारा पनीर दो प्याज़ा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने सर्व किया है इसको जीरा राइस के साथ। आप रोटी राइस या पराठा के साथ खा सकते हैं। आपको अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।